2000 का नोट बदलने से पहले इन बातों का रखे ध्यान, नहीं तो आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस। भैया, रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह शुक्रवार को 2000 रुपये का नोट वापस लेने का ऐलान किया। सेंट्रल बैंक के ऐलान के बाद से भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सोशल मीडिया से लेकर आपसी बातचीत में कई अफवाहों का बाजार गर्म है। इस बीच RBI ने साफ किया कि नोट बदलने के लिए कोई पहचान पत्र देने या फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसके बाद भी 2000 रुपये के नोट को आपको इनकम टैक्स की नोटिस भेज सकता है आपको। अगर आपके पास भी ढेर सारा कैश 2000 रुपये के नोट के रूप में मौजूदा है तो बैंक आपके अकाउंट में जमा कराने से पहले इस बात के कागजात और समूह जरूर अच्छे से मेंटेन कर लें, जिसके आधार पर आप ज़रूरत पड़े तो उसे साबित कर सके पैसे का स्रोत क्या है, यानी आपके पास 2000 रुपये कितने सारे नोट कहाँ से आए, पूछे जा सकते हैं ये सवाल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैश में होने वाले मोटे लेनदेन को संदेह की नज़रों से देखता है। इसके अलावा अगर रकम बड़ी हुई तो इनकम टैक्स की निगाह ऐसे लेन देन पर ठहरती है। ऐसे हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजे और पूछे कि आपके पास इतना कैश कहाँ से आया। इस सूरत में अगर आपने अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन रखा है तो आप इनकम टैक्स नोटिस का संतोषजनक जवाब दे पाएंगे। अगर आप बहुत सारा कैश एक ही बार जमा करते हैं साल भर में तो आपको परेशानी हो सकती है। ऐसे मिल जाती है सारी जानकारी। अब आपके मन में ये सवाल उठता है कि आपके कितने पैसे जमा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा। यह बहुत आसान है। दरअसल अगर आप किसी एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये उससे ज़्यादा की नकदी जमा करते हैं तो बैंक इसकी जानकारी आयकर विभाग को देता है। यह लेन देन चाहे एक खाते से किए गए या कई खातों से, बैंक हाई वैल्यू वाले ऐसे ट्रांजेक्शन की जानकारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में देता है, जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तुरंत इसके बारे में पता चल जाता है। ऐसे बदल सकते हैं आप नोट। आप किसी भी नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर 2000 रुपये के नोट को बदल सकते हैं या अपने बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं। इसके लिए रिजर्व बैंक ने लोगों को 30 सितंबर 2023 का समय दिया। रिजर्व बैंक ने नोट बदलने की सूरत में एक बार के लिए अधिकतम 10 नोट की सीमा तय की। इसका मतलब हुआ कि आप एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये के बराबर वैल्यू वाले 2000 रुपये के नोट को बदल सकते हैं। हालांकि अगर आप अपने अकाउंट में इन्हें जमा कराते तब कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 50,000 से ज़्यादा जमा कराते हैं तो आपको पेन कार्ड दिखाना पड़ेगा, कागज़ दिखाना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा। तो आपको क्या लगता है कि 2000 का नोट बंद करके मोदी सरकार ने अच्छा किया कि एक और बेवकूफ़ी की है, तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।